न्यू रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनीताज किचन चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरी रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनीताज किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी राइस बॉल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम जब भी घर में चावल बनाते हैं तो वो कभी कभी बच जाते हैं, तो बस उन्हीं बचे हुए चावलों का इस्तेमाल करके मैंने ये रेसिपी बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। क्रिस्पी राइस बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2/3 कप बचे हुए चावल, 1/4 कप बेसन, 4 छोटे उबले हुए आलू, बारीक कटे हुए प्याज, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और तेल। क्रिस्पी राइस बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में बचे हुए चावल डालेंगे। तो ये 2/3 कप बचे हुए चावल मैंने इसमें लिए हैं। अब हम इसके अंदर 1/4 कप बेसन डालेंगे। अब इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और उबले हुए आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे आलू लिए हैं। यहाँ पर ये 3 उबले हुए आलू मैंने मैश करके डाल दिए हैं, 4 नहीं डाले हैं, बस 3 ही बहुत हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इन्हें हाथ से ही मिक्स करें। ध्यान रखें, आलू बिल्कुल भी मैश नहीं होने चाहिए पूरी तरीके से, आलू की बाइट रहनी चाहिए इसमें। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 बड़ा चम्मच पानी बाइंडिंग के लिए बहुत है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम इसकी बॉल्स बना के देखेंगे कि अच्छी तरीके से मिश्रण जो है बंध रहा है या नहीं। ये देखिए, इसमें अच्छी तरीके से बाइंडिंग आ रही है, इसका मतलब ये मिश्रण जो है बिल्कुल सही है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। इसकी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों में तेल डालेंगे और अपने हाथों पर अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे ताकि मिश्रण है वो चिपके ना। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से बॉल्स बना लीजिए, जैसे आपको मीडियम साइज़ की या छोटी चाहिए वैसी बना लीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ी बॉल्स मत बनाइएगा क्योंकि उससे अच्छी नहीं लगती हैं ये। ऐसे ही हम सारी बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसके अंदर ये बॉल्स डाल दीजिए। ध्यान रखें, तेल यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा, बस अच्छी तरीके से मीडियम गर्म होना चाहिए और हमें इन्हें मीडियम गर्म तेल में ही फ्राई करना है। ये देखिए, ये अभी थोड़े से पक, अभी हमें इन्हें और पकाना है। अब ये जो बॉल्स है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व कर दिया है। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी राइस बॉल्स बने हैं। जब भी आपके चावल इस तरीके से घर में बच जाएं तो उसको एक स्नैक में कन्वर्ट करके एक और रेसिपी बनाकर नए अंदाज़ में ज़रूर पेश कीजिए। और ऐसी ही और नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए अनीता किचन एवरी मंडे। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।